अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाई दिस इज़ मीरा। आज बात करेंगे हम क्लास जो 8th है उसकी जो हिस्ट्री है उसमें जो चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर और जो टेरिटरी है एंटायर हिस्ट्री में क्या है कि कुछ पार्ट रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है जो कश्मीर के रिलेटेड है। तो कश्मीर की कुछ हिस्ट्री ऐड की हुई है हर चैप्टर में, जबकि पूरे एंटायर हिस्ट्री में आपको सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ना है। ओके, तो हम जब पहले चैप्टर की बात करते हैं तो पहला चैप्टर है हाउ व्हेन एंड वेयर। ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारा टॉपिक हाउ व्हेन एंड वेयर, और इसी में कश्मीर की इंफॉर्मेशन ऐड हुई है। जो आपको टॉपिक लिखा है हाउ डू वी नो, और इसके साइड में लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर। ओके, अगर आपको बुक पे देखना होगा तो बुक पे आपका ये फर्स्ट चैप्टर है हाउ व्हेन एंड वेयर, और इसमें जब आप करेंगे बुक पेज टर्न या आप स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे आएगा हाउ डू वी नो, और यहाँ पे जो स्टार्ट होता है रेड कलर से कश्मीर की इन्फॉर्मेशन कि किस तरीके से एट द सेम टाइम जिस तरह इंडिया में रिकॉर्ड हो रहे थे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वगैरह, सेम कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट ने जिसका रूल चल रहा था उन्होंने कैसे प्रिजर्व किया ये सब। तो हम जानते हैं कि जब ब्रिटिशर्स का रूल इंडिया में था तो तब कश्मीर के अंदर डोगरा महाराजाज का रूल था, जो आपने टेरिटरी में ही पढ़ा होगा। तो ये जो रूल है ये स्टार्ट होता है 1846 से 1947 तक। तो ये जो रूल इनका रहा ब्रिटिशर्स के टाइम पे डोगराज का कश्मीर के अंदर, तो इन्होंने दो काम बड़े अच्छे किए हैं, एक आर्काइव्स और म्यूजियम्स को एस्टैब्लिश किया है। तो आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स का क्या रोल है वो आपको पता ही है। तो डोगरा रूलर्स ने एक हम कह सकते हैं एक स्पेशल अटेंशन दे दिया टुवर्ड्स द प्रिजर्वेशन एंड पब्लिकेशन। ओके, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल आता है रिकॉर्ड्स का जो स्टेट में उस वक्त पब्लिकेशन के जरिए क्रिएट किए गए बने हमारे पास, तो उनको प्रिजर्व रखा गया। तो उसमें से जब आप देखते हैं सिंस 1872 से लेकर अभी तक, तो डोगराज जो है पहली बार अगर पब्लिकेशन स्टार्ट कर चुके थे तब, या जब उन्होंने पब्लिकेशन स्टार्ट करी तो वो यही टाइम था। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स तैयार किए। एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स क्या होता है तो हम पहले इस पे फोकस करेंगे। एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स होता है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, इनकम, एक्सपेंडिचर, आज साल के लिए नए काम क्या करने हैं, न्यू वर्क्स या जो वर्क्स कंप्लीट हो गए हैं तो वो जो कंप्लीट है उनका रिकॉर्ड रखना, ये इन्होंने दोनों जगह पे किया, कश्मीर के श्रीनगर जो एज अ समर कैपिटल है और जम्मू एज विंटर कैपिटल। तो उन्होंने दोनों जगहों पे इन रिपोर्ट्स को प्रिजर्व किया। तो इसके लिए आर्काइव्स रिपोजिटरीज फ्रेम की गई, एस्टैब्लिश की गई, तो एक जम्मू में और एक श्रीनगर के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप था कश्मीर की हिस्ट्री में, जहाँ पे कश्मीर के रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, इनकम रिकॉर्ड्स, सब कुछ प्रिजर्व रखा गया। एडिशनली और चीज़ इसमें ऐड करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, यानी कंजर्वेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, एक तो कंजर्व करना, दूसरा इन डॉक्यूमेंट्स को फिर कॉपिंग करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, तो वो भी एक बहुत एसेंशियल एक एडिशनल फीचर रहा है डोगरा रूलर्स का। तो उसमें दो चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया, जैसे कि यहाँ पे लिखा है टेंजिबल हेरिटेज और इनटेंजिबल हेरिटेज। तो पहले हम टेंजिबल हेरिटेज को देखते हैं। तो टेंजिबल हेरिटेज होता है थिंग्स वी कैन स्टोर, या फिजिकली जिनको हम टच कर सकते हैं, तो वो चीज़ें भी प्रिजर्व रखी गई, उनको भी अच्छे तरीके से क्या किया गया, कंजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। एट द सेम टाइम अगर हम देखेंगे इंटेंजिबल को, तो इंटेंजिबल क्या होता है, इंटेंजिबल होता है जैसे कल्चरल हेरिटेज वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इन दोनों को कश्मीर के अंदर कंजर्वेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन हो गई। कहाँ पे हो गई, किधर हो गई, ये भी आपकी बुक में लिखा है, एक एसपी म्यूजियम जो श्रीनगर लाल मंडी के पास है, तो उसी के साथ साथ जो ये डोगरा आर्ट म्यूजियम है ये जम्मू के अंदर एस्टैब्लिश किया गया। तो दो इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए गए जिसमें टेंजिबल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज को प्रिजर्व किया गया, एक किया गया जम्मू के अंदर और एक श्रीनगर के अंदर। तो दोनों हमारे लिए हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो श्रीनगर के अंदर एसपीएस म्यूजियम हो या जम्मू के अंदर डोगरा आर्ट म्यूजियम हो। तो ये दोनों म्यूजियम्स जो है ये बहुत यूजफुल है हमारे
तवारीख़ी एतबार से, ठीक है। एंड दैट कैन बी यूज टू डेवलप ए बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर किसी को अपने पास्ट को अंडरस्टैंड करना है तो आप इनको विजिट कर सकते हो। वहाँ पे हर कोई चीज़ जो प्रिजर्व रखी गई है, चाहे वो ट्रेडिशनल है, रिलीजियस है, कल्चरल है, जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड, वहाँ पे आपको अवेलेबल हो। तो SPS म्यूजियम को 1898 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया बाई महाराजा प्रताप सिंह, ठीक है। तो डोगरा आर्ट म्यूजियम जो है वो 1954 में एस्टेब्लिश किया गया, जिसका दूसरा नाम है इनिशियली डोगरा आर्ट गैलरी बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इन दोनों को फुल फ्लेज्ड अपग्रेड किया हुआ है दोनों म्यूजियम्स को। और तो ये थी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कश्मीर के अंदर किस तरीके से रिकॉर्ड्स, आर्टिफैक्ट्स, चाहे वो कल्चरल इम्पोर्टेंस के हो, ट्रेडिशनल इम्पोर्टेंस के हो या रिलीजियस इम्पोर्टेंस के हो, उनको कैसे प्रिजर्व किया गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सर्वेज। तो हम जानते हैं कि सर्वेज के एतबार से कश्मीर और जम्मू और प्लस इंडिया, इसमें अगर सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है इंडिया में वो जेम्स रेनल को जाता है। उसे कहा ही जाता है कि फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। चले अब कश्मीर की बात करें कि इंडिया में लैंड सर्वे जिस तरह हो गया तो उसका क्रेडिट जाता है जेम्स रेनल को। इसी तरह कश्मीर के अंदर भी लैंड सेटलमेंट्स हो गए। कश्मीर के अंदर पीजेंट्री थी, कश्मीर के अंदर बेगार सिस्टम था, कश्मीर के अंदर फोर्स लेबर सिस्टम था और राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था लोगों को। तो उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी को जाता है लैंड सेटलमेंट्स का तो सर वाल्टर लॉरेंस को जाता है। और लेटर फेज में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का भी एक रोल कंसिडर किया जाता है। तो डोगरा टाइम जो अर्ली स्टेज में जब हम देखते हैं तो वो 1846 से लेकर लेटर फेज 1947 के बीच में ही है। बट इसके दरमियान सर्वेज के दौरान लैंड सेटलमेंट कमिश्नर्स बहुत आ गए इंडिया में। तो उनमें जो कश्मीर आ गए तो दो बड़े मशहूर लैंड सेटलमेंट के ऑफिसर्स कश्मीर आ गए हैं, तो वो बहुत मशहूर है। एक का नाम है एंड्रयू विंगेट, दूसरे का नाम है सर वाल्टर लॉरेंस। तो दोनों को कहीं ना कहीं अपॉइंट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉर द लैंड सेटलमेंट ऑपरेशंस। ओके, तो कश्मीर जो है ये हम जानते हैं एंशंट टाइम से ही एक एग्रेरियन इकोनॉमी है। एग्रेरियन इकोनॉमी मींस मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रिलाई करती है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो अपना लाइवलीहुड एग्रीकल्चर से रिसीव कर। नाउ इस सर्वेस का क्या क्रेडिट मिला? डोगरा के टाइम पे जो सर्वे हुई, लैंड सेटलमेंट हो गया, कश्मीर को क्या बेनिफिट मिला आफ्टर जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए या डोगराज का टाइम खत्म हो गया? प्राइमरी सेक्टर बहुत मेजॉरिटी लोग यहाँ फॉलो करते आ रहे हैं बरसों से, अभी भी है। तो उसके हिसाब से नेचर ऑफ द लैंड, कश्मीर का लैंड कैसा है, यहाँ के रिलीफ फीचर्स कैसे उस वक्त थे, अभी कैसे हैं और प्रोडक्शन कैसी होती थी। और तो क्रॉपिंग आपको पता ही होगा, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड जायद क्रॉप, तो ये अलग अलग सीजन्स में होते हैं। उसके अलावा टाइप ऑफ सॉइल, तो सॉइल किस टाइप की है, तो लैंड एंड सॉइल में आपको पता ही है डिफरेंस है। लैंड में रिलीफ फीचर्स के लेवल पे डिफरेंस होती है और सॉइल जो टॉप मोस्ट लेयर होती है ओ एंड ए होराइजन जो टॉप लेयर होता है जिसमें ह्यूमस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, मैटर ज़्यादा होता है और वो रिच फर्टाइल सॉइल होती है। तो ये कितने टाइप्स की कहाँ कैसी पाई जाती है और तब भी ऐसा असेसमेंट ले लिया गया। प्लस सोर्स ऑफ इरिगेशन, कश्मीर में क्या सोर्स ऑफ इरिगेशन है इस एग्रीकल्चर सेक्टर को सर्वाइव करने के लिए और एग्रीकल्चर को चलाने के लिए किस तरीके का इरिगेशन सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था। कहीं नया तरीका तो अडॉप्ट करने की जरूरत तो नहीं है, जहां जहां पड़ा तो उनको वैसे ही क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया। लास्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू को कैसे कश्मीर में सेटल किया गया, तो रेवेन्यूज़ के लिए क्या तरीक़ेकार अपनाया गया, किस तरीके से रेवेन्यू को कलेक्ट किया गया, ये भी इस सर्वेज के अंदर हो चुका था जो लैंड असेसमेंट कमीशन बिठाया गया था। तो असेसमेंट रिपोर्ट्स में जो बुक उन दिनों फिर फेमस होती है, जो अभी भी बहुत फेमस बुक है, जो खुद वाल्टर लॉरेंस ने लिखी है, उसका नाम है द वैली ऑफ कश्मीर। और इसमें डिटेल्ड अकाउंट है कश्मीर में जितनी देर तक वो रहे हैं, उसने जो सर्वे किया है हर किसी चीज़ पे, जो उसकी नज़र थी, तजिया किया था, तो वो उसमें मेंशन किया हुआ है। नाउ अब बात करेंगे कश्मीर में और एक चीज बहुत फेमस बहुत अरसे से है, वो है ओरल ट्रेडिशन। तो ओरल ट्रेडिशन सिंपली क्या होता है, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल अस, वहां पे आप इंटररिलेट करो किसके साथ,
इस टॉपिक के साथ इंटर रिलेट करो, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल अस या टेल। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, कभी कभार तवारीख में वो गवर्नमेंट्स या कॉलोनियल रूलर्स वो कभी नहीं मेंशन करते थे रिकॉर्ड्स में जो उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट था। तो कहीं ना कहीं कश्मीर में डोगरा के टाइम पीरियड में या उनसे पहले ओरल ट्रेडिशन के जरिए कुछ फैक्ट्स को जिंदा रखा गया। तो कैसे जिंदा रखा गया, तो उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो इस टॉपिक को मैंने सेपरेट किया है, यानी ये जो ओरल ट्रेडिशन जो है इसका जो एक अहम रोल है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड जो हमें नहीं बता सकते हैं, तो हमने वो फैक्ट्स जिंदा रखे हैं ओरल ट्रेडिशन से। कैसे, जब जनरेशन टू जनरेशन फैक्ट्स पास ऑन होते हैं तो वो कुछ जो चीज़ें रिकॉर्ड्स में नहीं होती है वो जिंदा रहते हैं। शेखुल आलम, हज़रत शेखुल आलम अलैहि रहमत और लाल दत्त का एक बहुत बड़ा किरदार है हमारी तवारीख में। इनके जो शुरुक है या इनके जो वाक है तो उनको ऑरली जिंदा रखा गया, तभी आज हमें वो बुक्स में मिलते हैं। सो इन ओरल ट्रेडिशंस को हमने तीन तरीके से यहाँ पे आपके सिलेबस के अंदर मेंशन किया हुआ है, जैसे कि फोकलोर और फोक टेल्स प्लस फोक थिएटर। ये तीन तरीके हैं जिसमें ओरली ट्रेडिशन के जरिए इंफॉर्मेशन को जिंदा रखा गया। फोकलोर और फोक टेल्स और फोक थिएटर के अंदर ये सारी चीज़ें आती है जो राइट साइड में मेंशन है। नंबर वन, लडीशा। कश्मीर के अंदर लडीशा का एक अपना रोल है, वो एक इंस्ट्रूमेंट लेके हाथ में चलता था, घर घर जाता था, और ये ज़्यादा हार्वेस्टिंग टाइम पे आता था और फिर कुछ सोसाइटी के जो ट्रेंड्स है उस पर शायरी करता था और उसको एक ट्यून में गाता था, प्लस उसको फिर हार्वेस्टिंग में कुछ यहाँ से जो है फूड भी मिलता था इन वी कैन से ऐसी सर्विस देने पे। तो ये जो तरीका था इसमें से ओरल ट्रेडिशन जो है इसका रिफ्लेक्ट हो रहा था। ये हमारा एक कल्चरल वी कैन से ओरल ट्रेडिशन रह चुका है, अभी भी जिंदा है, बट उतना नहीं है जितना होना चाहिए। दूसरा है बांड पत्थर। तो बांड पत्थर आपको पता होगा, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं और इसमें जो म्यूजिशियंस होते हैं वो अलग होते हैं, और जो कैरेक्टर निभाते हैं किसी चीज़ को जब वो लोगों के सामने डिस्प्ले करते हैं उनका एक अलग रोल होता है। तीसरा होता है दास्तान गोई। तो दास्तान जैसे कि कश्मीर के अंदर बहुत, हाँ बांड पत्र में कहूँगा कि वाथोर की जो चाडोरा है वहाँ पे एक इलाका है, वो मशहूर बांड वहाँ के है, और जो दास्तान गोई है, दास्तान गोई के लिए आपको अगर पता होगा इस्माइल मीर बड़ा मशहूर है। तो अभी अगर आप कहीं से भी सर्च करेंगे तो उसका एक बहुत बड़ा किरदार है उसको लोगों तक पहुँचाने में। तो उसके अलावा भक्तियाँ और पाखान, ये दो जम्मू के अंदर ओरल ट्रेडिशंस यूज़ किए गए हैं। तो इन सब का एक किरदार है किसमें, हिस्टोरिकल फैक्ट्स या ऐसी चीज़ों को ज़िंदा रखने में जो हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड से नहीं मिलते हैं। अब इन ओरल ट्रेडिशंस में हाईलाइट किस चीज़ को ज़्यादा किया जाता था। नंबर वन, द कंडीशंस ऑफ द कॉमन मासेस। तो इसमें अक्सर आम लोगों की हालात को दर्शाया जाता था, उसको रिफ्लेक्ट करते थे ये अपने आर्ट के ज़रिए, ठीक है, और लोगों की परेशानियां, लोगों की जो मुश्किलात है उनको हाईलाइट करते थे, और लोग कैसे उस वक्त जी रहे थे, किस कंडीशन में जी रहे थे लोग, तो उन चीज़ों को भी हाईलाइट किया, पर्टिकुलरली मोस्ट मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस। तो इन सब ओरल ट्रेडिशंस में मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को ज़्यादा फोकस किया जाता था, जो सबसे पिछड़ा वर्ग का सोसाइटी का होता था, तो उसके हालात उनकी कंडीशंस को हाईलाइट किया जाता था। दूसरा, सोशल एंड कल्चरल हेरिटेज को, यानी सोशो कल्चरल इश्यूज को, सोशो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस को हाईलाइट किया जाता था। उसके अलावा अगर कोई चीज़ में रिफ्लेक्ट होती थी वो है रिलीजियस लाइफ। तो रिलीजियस लाइफ कैसी है वो फिर हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में आ गया। फैक्ट्स किसके आधार पे, कलेक्टिव साइके, यानी लोगों के अंदर किस तरीके की साइकोलॉजी है, लोग किस साइके के हैं, और पूरे इस रीजन के अंदर किस तरीके का माहौल है। ये वो तरीके थे ओरल ट्रेडिशन के जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट मीडियम साबित हो चुका है, जिसमें वॉइस टू वॉइसलेस होता था। यानी वॉइस टू वॉइसलेस का मतलब क्या होता है, तो वॉइस टू वॉइसलेस का मतलब होता है जिन बेचारों की कोई नहीं सुनता था उनकी ये जुबान बनते थे, उनके लिए आवाज़ उठाते थे, उनकी ये वॉइस बनते थे, प्लस
अनलेटर्ड नेटिव्स ऑफ द रीजन। लेटर्ड का मतलब होता है लैक ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फैसिलिटीज, ठीक है। तो जैसे कि हम कह सकते हैं अनलेटर्ड को इलिटरेट, या जहाँ पे इलिटरेसी हाई थी तो उनके लिए ये वॉइस बनते थे अपने रीजन के। विल फोकस ऑन द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ जेके। तो कुछ ट्रैवलर्स एज ट्रैवलॉग्स लिखने के लिए कश्मीर आ गए, जिन्होंने ट्रैवलॉग्स लिखे हैं क्योंकि वो ट्रैवल अकाउंट्स होते हैं। तो बहुत सारे यूरोपियंस ऐसे थे जिन्होंने जे एंड के विजिट किया, इवन लद्दाख और लद्दाख के आसपास के कुछ एरियाज में भी। तो इसमें क्या है कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस इन द सेंस के या तो कहा जाता है कि वो यहाँ एंजॉय करने आए थे नेचुरल ब्यूटी, या एज मिशनरीज आए थे, या मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, या इम्पोर्टिंग वेस्टर्न एजुकेशन के लिए वो आए। तो बहुत सारे ट्रैवलॉग्स लिखे गए, उनमें से विलियम मूरक्राफ्ट की मशहूर ट्रैवल्स इन हिमालयन प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान एंड पंजाब लिखी है उसने। तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली जो लद्दाख और कश्मीर, इवन की पेशावर, काबुल, कुंदूज एंड बुखारा या कहीं और पे भी विजिट किया है बहुत सारे ट्रैवलर्स ने। उसमें और एक नाम हमारे सामने आता है, चार्ल्स ह्यूगल्स। तो चार्ल्स हगल्स कहें या चार्ल्स ह्यूगल्स कहें, इसने ट्रैवल्स इन कश्मीर एंड पंजाब लिखी है। और उसके अलावा और एक नाम है जो हमारे सामने इधर है, वो है जॉर्ज फॉस्टर। तो जॉर्ज फॉस्टर के अलावा गॉडफ्रे वेग ने भी आया था, इनने ट्रैवल इन कश्मीर लद्दाख स्कार्दू लिखी है। तो ये जो बुक इन्होंने मेंशन करी है, जिसमें उन्होंने पूरे जे एंड के को विज़िट किया है, जे एंड के साथ साथ जो अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरियाज है, स्कार्दू, गिलगित बल्तिस्तान एवं उनके वो एरियाज, तो उन्होंने उस पर भी कुछ अकाउंट्स लिखे हैं, उनमें मेंशन किया है अपनी ट्रैवल के बारे में, क्या कुछ देखा है, क्या कुछ एक्सपीरियंस किया है। साथ साथ जॉर्ज फॉस्टर ने लिखा है ए जर्नी फ्रॉम बंगाल टू इंग्लैंड। तो इसने दो वॉल्यूम्स में ये बुक लिखी है, बट इसके साथ साथ मिसमराइजिंग ब्यूटी ऑफ द रीजन भी मेंशन की गई है, जिसमें एक फेयर अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड, कॉमर्स, इकोनॉमी एंड सोशो कल्चरल लाइफ के बारे में भी मेंशन है। तो ये थे ट्रैवलॉग्स या ट्रैवलर्स जिन्होंने वो मेंशन किए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री में बायोग्राफी भी रहता है। तो उसमें जो दीवान कृपाराम, एक ऐसा बंदा है जिसने गुलाबनामा लिखा है, गुलाबनामा इसलिए क्योंकि इसने गुलाब सिंह के बारे में इसमें लिखा है, तो वर्ड गुलाब इस पर रिफ्लेक्ट होता है। तो गुलाबनामा एक बायोग्राफी लिखी गई है, गुलाबनामा किसने लिखी है, दीवान कृपाराम ने। और उसके अलावा गणेश दास बदेरा जो है उसने राजदर्शनी लिखी है। तो राजदर्शनी मतलब जीनोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ जम्मू, जीनोलॉजिकल हिस्ट्री होती है, इसको हम उर्दू में कहते हैं शजरे नसब, ठीक है। तो उसमें डॉक्टर करण सिंह उसकी ऑटोबायोग्राफी हेयर अपेरेंट लिखी है, ठीक है। ये अलग अलग नाम है, ये एमसीक्यूज में आते रहते हैं, इनको याद रखिएगा। तो हम रिपीट करेंगे, जैसे कि हमने भी बात की गुलाबनामा ये किसने लिखी है, दीवान कृपाराम ने। इसी तरह गणेश दास बदेरा उसने राजदर्शनी लिखी। तो उसके अलावा डॉक्टर करण सिंह उसने ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट लिखा है, हेयर अपेरेंट, ठीक है। एडिशनल बायोग्राफीज में कुछ फारसी में लिखी गई है या अदर लैंग्वेजेस में लिखी गई है, जो एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट द हिस्ट्री एंड द कल्चर ऑफ द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो लास्ट पार्ट इस लेक्चर का ये है कि जिसमें बायोग्राफीज के अलावा एक न्यूज़पेपर भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है, तवारी के एतबार से न्यूज़पेपर की एक बहुत अहमियत हासिल है। तो कश्मीर के अंदर पहले न्यूज़पेपर्स का कल्चर हम उस बात से अंडरस्टैंड करेंगे जब प्रिंट आ गया कश्मीर में। तो प्रिंट भी ड्यूरिंग डोगरा रूल ही कश्मीर में मोस्ट प्रोबेबली फ्लोरिश हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट डेली न्यूज़पेपर के बारे में, एक वीकली न्यूज़पेपर निकलता था कश्मीर में, जो बहुत उन दिनों वाइडली पढ़ा जाता था, ठीक है। उसमें एक का नाम है विद्या विलास, ठीक है, 1867 में, तो ये बाइलिंगुअल वीकली था, ठीक है। दूसरा रणबीर, ये 1882 में। तो ये दो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स थे, रिपीट करेंगे हम दोनों न्यूज़पेपर्स का नाम, एक है विद्या विलास 1867, दूसरा है रणबीर 1882 में, ठीक है। तो ये वर्निकुलर लैंग्वेजेस में लिखे जाते थे, तो एक बायलिंगुअल था। तो उसके अलावा
कुछ रीजन्स जो कश्मीर के रीजन्स या बाकी एरियाज़ हैं वहाँ खिदमत, हमदर्द, वितास्ता एट्सट्रा भी धीरे धीरे फिर पब्लिश होने लगे। तो ये न्यूज़पेपर्स भी हमें बहुत सारी इवेंट्स एंड प्रोसेसेस की इंफॉर्मेशन देते हैं, तो क्योंकि न्यूज़पेपर हमेशा से एक बेस्ट मीडियम रहता है वैल्यूएबल सोर्स को कलेक्ट करने के लिए हिस्ट्री के अंदर रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो होते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में ये फर्स्ट चैप्टर का जो एडेंडम एडिशनल इन्फॉर्मेशन J&K की थी वो इतनी ही थी, इसीलिए हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं। उसके बाद हमारा आता है चैप्टर टू, तो चैप्टर टू हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।